हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 का जो सैंपल पेपर है यूके बोर्ड का उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने सैंपल पेपर के जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक थे सभी क्वेश्चन आपको समझा लिए थे, यानी एक अंक वाले जितने भी प्रश्न हैं सैंपल पेपर यूके बोर्ड 2024 के जो सैंपल पेपर में एक अंक के जितने भी प्रश्न हैं 1 से 10 तक, वो सभी प्रश्न हमने आपको समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं सैंपल पेपर में, यानी 2 अंक के प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है। बोर्ड एग्जाम का जो पेपर आएगा 2024 में वो सेम ऐसे ही आएगा, तो ये पैटर्न आपको ध्यान से समझ लेना है और इस पेपर के एक एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डीपली सिक्वेंस से, मन से, धन से रिपीट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो यूके बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 को सॉल्व करने का रहेगा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इस सैंपल पेपर की क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन साइड में आते जाएंगे, आपको पहले इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है और देन इसका सॉल्यूशन फिर नोट करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 कल हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से आप ध्यान से देखिए, 2 अंक के प्रश्न आ चुके हैं अब इस सैंपल पेपर के। तो देखिए ध्यान से, बहुपद 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशियंट। ठीक है, बहुपद 4u² + 8u के शून्यक आपको ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्वेश्चन को लेते देखिए ध्यान से, एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है सैंपल पेपर का, क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले क्वेश्चन नोट करना है फिर सॉल्यूशन को नोट करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बहुपद आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि बहुपद। ठीक है, पहले आप लिख लो यहाँ पर बहुपद। देखिए जो बहुपद दिया हुआ है यानी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4u² + 8u, ये बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के शून्यांक यानी जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं और देन वेरीफाई भी करना है। ठीक है, यानी जांच भी करनी है। तो सबसे पहले टारगेट क्या रहेगा, इस बहुपद के शून्यक निकालने। तो कैसे निकालोगे देखिए ध्यान से, एग्जाम में कैसे लिखना, सबसे पहले सॉल्यूशन, हिंदी वाले बच्चे हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख लेना आप हिंदी में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये बहुपद है यू वेरिएबल में दिया हुआ है, पॉलिनोमियल ये क्या है यू वेरिएबल के अंदर है, तो लेट इसको मान लेंगे, माना, हिंदी वाले क्या लिखते हैं, माना, इस बहुपद को मान लेंगे पी ऑफ यू, पी फॉर क्या होता है पॉलिनोमियल और हिंदी में बहुपद बोलेंगे, तो पी ऑफ यू इज इक्वल टू 4u² + 8u, ये एक बहुपद है। ठीक है, इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो कैसे करोगे देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से कि p ऑफ u इज इक्वल टू, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4u और 4u यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा, तो जब मैं इन दोनों से 4u कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 1u यानी 1u बच जाएगा और 4 2 8, इस 4u का इसमें डिवाइड कर लूँ तो u से u कट हो जाएगा और 4 2 8 केवल 2 बचेगा, यानी जब 4u² + 8u में अगर मैं 4u कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 1u बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अगर इस नंबर के अंदर इंटू करेंगे तो वापस यही नंबर मिलना चाहिए, अगर इस नंबर के इंटू करके ये नंबर मिल रहा तो बिल्कुल आपने सही कॉमन लिया। देखिए 4u का u से इंटू करो, 4u का u में u² 4 2 8u साथ में आएगा, तो यानी इस बहुपद का ये फैक्टर हो गया, गुणनखंड हो गया। अब शून्यकों के लिए आपको लिखना है फॉर जीरोज, शून्यकों के लिए, हिंदी वाले क्या लिखते हैं शून्यकों के लिए, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, शून्यकों के लिए आपको क्या करना है, जो बहुपद है इसका मान जीरो रखा जाता है, पुट पी ऑफ यू, यानी पी ऑफ यू जो बहुपद है इसका मान जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब पी यू के फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या निकाले ये वाला, तो पी यू की वैल्यू यहाँ से इसके नीचे रख दो, 4u u + 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक बार 4u इक्वल टू जीरो करना है और एक बार u + 2 इक्वल टू जीरो करना है, तो देन हम यहाँ से क्या करेंगे,
फोर यू इक्वल टू जीरो करेंगे एक बार, और एक बार यू प्लस टू इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आएगी देखिए ध्यान से, जो इनटू में होता है नंबर वो डिवाइड में आता है, और यहाँ यू इक्वल टू प्लस का टू राइट में आएगा तो माइनस का टू हो जाएगा, ठीक है। अब फोर का डिवाइड करना जीरो में तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पर देखिए u की वैल्यू माइनस टू आ चुकी है। अब जो फर्स्ट वाली u की वैल्यू है इसको मानते अल्फा, जांच करने के लिए जो ये फर्स्ट वाला u है इसको मानेंगे अल्फा की वैल्यू, और जो सेकंड वाला u है इसको मानते बीटा, और बीटा की वैल्यू माइनस का टू हो गया, ठीक है। तो ये आपने शून्यांक निकाल दी है, शून्यक निकाल दी है, जीरोज निकाल दी है इस पॉलिनोमियल की, ठीक है। अब आगे देखिए, अब फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब जांच करनी है आपको, ठीक है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम जांच करेंगे, जांच यानी वेरिफिकेशन, वेरीफाई बोल लो या वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन। देखिए ध्यान से, इस बहुपद की आपको जांच करनी है, तो जांच करने के लिए सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो जो u का गुणांक होता है, यहाँ पर देखिए, जो u स्क्वायर के साथ में लंबन लिखा जाता है वो क्या होता है, a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और जो u के साथ में, जो वेरिएबल केवल u के साथ में लंबर होगा ना, वो होगा b की वैल्यू मानक रूप से इसकी, ठीक है। तो b की वैल्यू 8। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, संख्या मतलब जिसके साथ में वेरिएबल ना हो, यानी वो संख्या नहीं है, तो वो सी होती है अचर पद, और सी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर सी वाला पद नहीं है, अचर पद नहीं दिया हुआ है। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी होता है, और ये बहुपद था हमारे पास फोर यू स्क्वायर प्लस में एट यू। अब जो लास्ट वाली संख्या होती है, अचर पद जो होता है सी, वो यहाँ पर नहीं है, तो वो आप यहाँ पर जीरो मान लेंगे ऐसे। अब देखिए तुलना करने पर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, स्क्वायर वाले के साथ ए है, और यहाँ पर चार है, तो ए की वैल्यू 4, और यू के साथ 8 है, और एक्स के साथ बी है, तो बी की वैल्यू 8, और सी की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं थी तो जीरो होगी। तो ऐसे कंपैरिजन से हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान साइड में निकाल देंगे, ठीक है। चलो अब जांच करनी है, ठीक है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या लिखती है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा की वैल्यू कौन सी रखनी है, जीरो, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस टू, माइनस बी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली है, तो ये माइनस फॉर्मूले में था, बी की वैल्यू कितनी है 8, और ए की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व कर लो, जीरो सेम, प्लस माइनस माइनस का 2, और 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, माइनस का 2, जीरो मतलब कुछ नहीं है, तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2। अगर ये दोनों साइड इक्वल आ रही है तो मतलब आपने ये शून्यक भी बिल्कुल सही निकाले हैं, और अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल राइट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ तो वेरीफाई हो गया, जो शून्यकों का योगफल थे और जो इनके गुणांक थे वो आपस में बराबर आएंगे दोनों, ठीक है। तो यानी जो ये आंसर है, एक आंसर तो आपने वेरीफाई कर लिया है, अब दूसरे को आपको वेरीफाई करना है, तो दूसरा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ नीचे करनी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, गुणनफल, यहाँ पे क्या लिखते हैं इसको, सम ऑफ जीरोज, इंग्लिश में क्या लिखते हैं, शून्यकों का योगफल को लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, और शून्यकों का गुणनफल इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है, अल्फा इंटू बीटा एज इट इज रहेगा, सी का मान आपने कितना निकाला ऑन कंपेरिजन, सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू जीरो, और यहाँ पर भी आप रख ले पहले, अल्फा की वैल्यू कितनी है जीरो, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का टू, ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का टू। अब सी की वैल्यू क्या है ऑन कंपेरिजन, सी की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ जीरो, और ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 4 थी, इसको सॉल्व कर लो,
माइनस टू का जीरो से इनटू तो जीरो आएगा, और जीरो पे ना माइनस आता है ना प्लस आता है, जीरो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। फोर का डिवाइड करो जीरो में, जीरो आएगा। देखिए दोनों साइड यहाँ पर भी इक्वल आ गई है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई या हैंस प्रूव, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव, ठीक है। या तो आप लिख लो यहाँ पर हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करना था। हमें सिद्ध क्या करना था इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें लिखा हुआ था कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4u² + 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। यानी बहुपद 4u² + 8u के शून्यक ज्ञात करने थे और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी, क्योंकि हमने कर लिया है, ठीक है। पहले जीरोज अल्फा और बीटा आपको फाइंड करनी है, फिर ऑन कंपेरिजन द्विघात बहुपद के मानक रूप से इसकी तुलना करके यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप पहले निकालोगे, और फिर वेरीफाई करने के लिए, वेरीफिकेशन करने के लिए, जांच करने के लिए ये सूत्र आपको लगाने होते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर दोनों साइड यहाँ पर इक्वल इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब आपने इसको वेरीफाई कर लिया है और आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, देखिए अब डियर स्टूडेंट आगे देखिए, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 12 है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। यानी ऐसी दो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है जिनका योगफल तो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालोगे, ऐसी दो संख्याएं जिनका योगफल तो 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है ये 12, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई साल से रिपीट है। इस पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, ये वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पेपर को आपको बिल्कुल सही से रिपीट करना है। तो देखिए दो संख्याएं आपको ऐसी बतानी है कि जिनका योगफल तो 27 होना चाहिए और गुणनफल 182 होना चाहिए। तो पहले यहाँ पर मान लेंगे दो संख्याएं हैं, तो लिखेंगे माना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर मान लो आप x, इसीलिए तथा लिख लो, चाहो तो यहाँ पर तथा लिख लो, तथा दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या होगी 27 - x। अब ये कैसे हुआ, इसने क्या कहा था कि ऐसी दो संख्याएं आपको चाहिए कि जिनको जोड़ के 27 मिल जाए। अब अगर एक संख्या मैंने x मान लिया तो दूसरी संख्या मैंने क्या मानी, 27 - x। जब मैं x में जोड़ूंगा 27 - x, तो -x + x कट हो जाएगा, जोड़ के कितना मिलेगा 27, ठीक है। तो मैंने सीधा क्या कर दिया, एक संख्या को x माना तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, 27 - x, ठीक है। चलो एक संख्या x तो दूसरी संख्या 27 - x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो 182 होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे, x मल्टीप्लाई बाई 27 - x इज इक्वल टू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो 182 दिया है क्वेश्चन में, तो इन दोनों को हमने गुणा किया और इक्वल में रख दे 182। अब इसको सॉल्व करके एक द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से इंटू करा दो अंदर, x का 27 में तो 27x, 27x, x का x में x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, मानक रूप क्या कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, पहले स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली, अब फिर जो संख्या होती है अचर पद होती है वो लास्ट में आता है। तो यहाँ पर यही चीज करनी पड़ेगी, देखिए ध्यान से स्क्वायर वाली टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, पहले इसको लिख लो, फिर एक्स वाली टर्म क्या है,
27x, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, देखिए 182 है, जब ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का 182 हो जाएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा इधर, जीरो मान लूँ। अब ये आ गया मानक रूप में, लेकिन मानक रूप में एक बात आपको देखनी है, स्टार्टिंग में माइनस नहीं आता है, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है और इसमें स्टार्टिंग में माइनस नहीं आता है। अगर स्टार्टिंग में माइनस आता है तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा या भाग कर लेते हैं, तो मैं अब क्या करूँगा, माइनस से गुणा कर दूंगा। तो आप यहाँ लिख सकती है कि माइनस से गुणा करने पर, जैसे ही यहाँ पर अगर माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी सिंबल उल्टे कर दो पूरे के, अब माइनस का नंबर प्लस, प्लस का नंबर माइनस बना दो, ये माइनस का प्लस बना दो, इक्वल टू जीरो। अब ये बन गई एक द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई प्रॉपर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां होती हैं, एक तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि होती है, पूर्ण वर्ग विधि होती है। तो जो विधि सॉल्ट है, मैंने आपको सारी विधि समझा रखी है, अभी मैं इस क्वेश्चन में वो विधि यूज करूंगा जो सॉल्ट होती है। तो सॉल्ट विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, कोफिशियंट होता है, देखिए यहाँ पर कुछ संख्या नहीं, यहाँ पर वन मान लो, वन इंटू में जो लास्ट वाला नंबर होता है, डिजिट होती है इसकी इंटू होती है, तो वन इंटू में 182 मल्टीप्लाई करा दो 182। अब 182 के ऐसे दो फैक्टर आपको चाहिए जिनको जोड़ के 27 मिलता हो, देखिए 13 इंटू अगर 14 आप करती हो तो आपको मिलता है 182, और जब अगर 13 में आप 14 जोड़ती हो, 13 में जब आप 14 जोड़ती हो तो आपको मिलता है 27। तो ये दो फैक्टर है इसके, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम, इस 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस में 14, 13 प्लस में 14 इंटू में एक्स प्लस में क्या है 182 इक्वल टू जीरो है। इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू कर लो माइनस के अंदर, यहाँ से माइनस का इंटू, यहाँ से एक्स का इंटू, तो एक्स का 13 में तो माइनस 13 एक्स, माइनस प्लस माइनस, एक्स का 14 से 14 एक्स, प्लस में 182 इक्वल टू जीरो। अब देखिए जोड़े बना के कॉमन लेने, पेयर बना के, इन दो में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एक्स, तो यहाँ से एक एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, यहाँ पर 13 बचेगा, जो संख्या यहाँ बचेगी ना पहले वाली ब्रैकेट में, वही आपको थोड़ा दूरी पर रखना है, बिल्कुल सेम, एक्स माइनस 13 यहाँ बचा था, यही संख्या आपको थोड़ा दूरी पर रखनी है, एक्स माइनस में 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, देखिए यहाँ पर सिंबल माइनस का, तो माइनस सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पर 14x है और इस 182 के फैक्टर क्या थे, 13 इंटू में 14 था, यानी यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, तो इन दो नंबर से 14 कॉमन आएगा, ठीक है, इन दो नंबर से 14 कॉमन आएगा, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ बचेगा 13, ठीक है। अगर इस नंबर का इंटू होगा ना ब्रैकेट में, तो ये नंबर मिलना चाहिए, 14 का x में 14x माइनस माइनस प्लस, और 14 इंटू में 13 182 मिलेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनमें से एक ही ब्रैकेट रखेंगे, यानी इनको कॉमन लेंगे, यानी एक, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन दोनों में से एक ब्रैकेट लिखेंगे, ये नंबर और ये बीच वाला नंबर अगले वाली ब्रैकेट में रखना, ऐसे एक्स माइनस 14 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, देखिए एक बार एक्स माइनस 13 बराबर जीरो रखना है, एक बार एक्स माइनस 13 बराबर जीरो रखोगे, और एक बार x माइनस 14 बराबर जीरो रखोगे, x माइनस 14 बराबर में जीरो, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 13 बाहर जाएगा तो प्लस 13, और यहाँ पर x की वैल्यू प्लस में 14 है, x की ये दोनों वैल्यू आ रही है, यानी वो दोनों संख्याएं जिनको जोड़ के 27 मिले वो क्या है, 13 और 14, और गुणा करके 182 मिले तो वो संख्या क्या है, 13 और 14 है, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू एक 13 है और x की वैल्यू एक 14 है, तो इसको सीक्वेंस में कैसे लिखा जाएगा, दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी एक एक करके, तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए देखिए ध्यान से कैसे आपको लिखना है, कि जब अब दो संख्याएं आ गई है, ठीक है, इसको पहले रफ कर लेते सही से, देखिए अब यहाँ पर दो संख्याएं आ गई है, तो जब x बराबर हम 13 लेंगे, तो इसीलिए पहली संख्या क्या बनेगी, जब x का मान 13 होगा तो पहली संख्या को आपने क्या माना था, x, x की वैल्यू कितनी होगी, 13, अगर पहली संख्या 13 होगी तो इसीलिए दूसरी संख्या क्या होगी, तथा
दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या हमारे पास 27 माइनस एक्स थी, तो 27 बिल्कुल सेम, एक्स की वैल्यू 13 डाल लो तो माइनस कर लो 14 आएगा। और जब अगर आप एक्स की वैल्यू को 14 लोगे, जब एक्स की वैल्यू यानी जब एक्स की वैल्यू 14 होगी, यानी पहली संख्या, यानी मान लिया पहली संख्या अगर आपने ली 14, एक्स की वैल्यू अगर आपने ली 14, तो दूसरी संख्या फिर क्या होगी? तथा तब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स थी, तो 27 से एक्स की वैल्यू कितनी है? 14 ली आपने, ठीक है, तो माइनस करोगे तो घूम फिर के क्या आएगा? 13 आएगा दोबारा, फिर क्या आएगा? 13, यानी हर बार आंसर यही आएगा, एक संख्या 13, एक संख्या 14 होगी, ठीक है। अगर पहली संख्या को आप 13 लोगे तो दूसरी 14 आएगी, अगर पहली संख्या को आप 14 लोगे तो दूसरी संख्या आएगी 13, तो यानी वो दो संख्या यही है कि जिनका गुणनफल 182 हो और योगफल 27 हो, वो दोनों संख्या कौन सी होंगी? 13 और 14। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है, अब आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल राइट, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, तो इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अथवा में दिया हुआ था, वो भी कर लेती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में एक अथवा में क्वेश्चन है और में है, उसको सॉल्व करना। देखिए, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल प्राप्त हो, ठीक है। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव टू इक्वल रूट्स। यानी एक द्विघात समीकरण के दो इक्वल मूल है, दो इक्वल रूट्स है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट है, तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 का जो सैंपल पेपर में अथवा वाला क्वेश्चन है ना, अथवा वाला यानी और वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख ले आप। देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे दिया है गिवन, इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं? गिवन, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, यानी 2x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस समीकरण के दो बराबर मूल है, इस समीकरण के टू इक्वल रूट्स है, दो बराबर मूल है, तो आपको k का मान ज्ञात करना, जो k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसकी तुलना मानक रूप से करनी है, तो ax² bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन, ठीक है। देखिए, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, यहाँ पर तुलना करके आपको पहले a की वैल्यू निकालनी, तो ऑन कंपैरिजन a की वैल्यू कितनी होगी? 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू होगी 3। अब देखिए, चूंकि इस समीकरण के दो इक्वल रूट्स है, चूंकि दिया है कि यहां लिख लो, चूंकि समीकरण के दो बराबर मूल है, क्वेश्चन में दिया है समीकरण के दो बराबर मूल है। अब समीकरण के बराबर मूल कब होते हैं, ठीक है, अगर समीकरण के दो बराबर मूल है तो आप लिख सकते हैं d की वैल्यू 0, यानी जब विविक्त कर, जब द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर की वैल्यू 0 आती है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं? समीकरण के दो बराबर मूल है, तो बराबर मूल की जो शर्त होती है वो ये होता है d इक्वल टू 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है? k 4, a की वैल्यू कितनी है? 2, c की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, तो k² 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k² इक्वल टू माइनस 24 राइट में जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ में क्या आता है? रूट आता है, ठीक है। अब देखिए, इस वैल्यू को अगर रूट से बाहर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इस 24 को लिख सकते हैं 4 6 24, क्या लिख सकते हैं? 4 6 24। अब देखिए, के इज इक्वल टू प्लस माइनस सेम रहेगा, देखिए 4 का वर्गमूल, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है 12 की, अब ये 6 रूट में रहेगा, तो अतः के की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस का 2 रूट 6। तो ये आपका आंसर आ गया है, इसको नोट कर ले पहले।
अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अब बॉल इज अ ड्रॉन अ रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। यानी एक थैले में 3 लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक। अब यादृच्छिक का मतलब होता है अचानक कोई भी गेंद निकाल दी, या तो रेड आएगी या तो ब्लैक आएगी, ठीक है। यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते ही आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, यानी गिवन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक थैले में, लिख लो एक थैले में। तो ये सारी गेंदें थैले में रखी हुई, तो पहले हमने लिख दिया ऊपर एक थैले में। अब एक थैले में क्या है, लाल गेंद 3 है, तो लिख लो लाल गेंदों की संख्या। लाल गेंदों की संख्या थैले में, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। रेड बॉल कितनी है, 3। काली गेंदों की संख्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5 काली गेंदे हैं। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसीलिए थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी, कुल गेंदों की संख्या। इसीलिए थैले में कुल गेंदों की संख्या, कुल कितनी गेंदें होंगी थैले में, लाल तो 3 है, काली 5 है, तो जोड़ लो 3 + 5 यानी 8 गेंदें होंगी कुल मिलाकर के। अब आपको फर्स्ट वाले भाग में क्या निकालना, फर्स्ट पार्ट में कि लाल गेंद की प्रायिकता, लाल हो तो आपको लिखना है, प्रायिकता को लिखते पी से, प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है। किसकी, लाल गेंद की, तो यहाँ लिख लो अंदर लाल गेंद। तो लाल गेंद की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, देखिए प्रायिकता का सूत्र आपको याद होना चाहिए, अनुकूल परिणाम। यहाँ क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये लिखना है आपको सीधा। अब देखिए अनुकूल कितने, लाल गेंद कितने हैं, यहाँ पर 3 है, तो ऊपर 3 आएगा अनुकूल परिणाम लाल गेंद के लिए। कुल गेंदें कितनी थी थैले में से, 8 में से 3 तो लाल है, तो कुल वाली नीचे आएंगी कुल परिणाम के लिए, तो 8 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अब दूसरे में क्या है कि लाल नहीं हो, यानी उस गेंद की प्रायिकता आपको निकालनी है जो लाल नहीं है, तो यहाँ लिखना है प्रायिकता पी, प्रोबेबिलिटी लाल नहीं है। देखिए अगर लाल नहीं है, यानी लाल नहीं हो, ऐसी गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है जो लाल नहीं है, तो सूत्र आपको यही लगाना है, सूत्र आपको यही सेम सूत्र यहाँ पर कॉपी कर लेना है। अब देखिए लाल नहीं है, अगर लाल नहीं है तो थैले में काली होगी, भाई एक थैले में लाल और काली गेंद है, अगर लाल गेंद कह रहा नहीं है तो फिर थैले में काली होनी चाहिए, तो काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5, अनुकूल कितने होंगे, 5, और कुल गेंदें कितनी थी, 8 थी, तो 8, तो ये आंसर आ गया। लाल गेंद की ना होने की जो प्रायिकता है वो 5/8 है, और जो लाल गेंद है उसकी क्या है, 3/8 है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, इसको नोट करना है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके बोर्ड में कई बार रिपीट है, 1 मार्क्स में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा गया है, टर्म्स आपको दे रखी है और इसकी फ्रिक्वेंसी बारंबारता दे रखी है और संचयी बारंबारता CF आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है संचय बारंबारता पर, ठीक है। तो क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से, निम्नलिखित सारणी में x तथा y के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग टेबल। यानी जो गिवन टेबल है, गिवन सारणी है, इसके अंदर जो x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, मात्र 2 मार्क्स का है। देखिए ध्यान से, देखिए संचय बारंबारता हम कैसे निकालते हैं,
बारंबारता के जो सारे ये पद होते हैं ना, ये सेम रहती है। संचय बारंबारता को निकालने का तरीका क्या होता है, बारंबारता का जो फर्स्ट पद होता है उसको पहले संचय बारंबारता वाली लाइन में सेम रखा जाता है, फिर इस संख्या में जब ये संख्या ऐड करते हैं यानी 6 में जब x ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, और जब इस संख्या में ये ऐड होगा तो ये मिलेगा 50, जब 50 में अगर 28 ऐड होगा तो y मिलेगा, अगर y में 15 ऐड होगा तो 93 मिलेगा। यानी इसको निकालने का जो रूल होता है संचय बारंबारता को, वो हम संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं पहले ध्यान से सुनिए। जो जो बारंबारता के सारे ही पद होते हैं वो सेम रहेंगे पहले, अब जो बारंबारता का फर्स्ट पद होता है उसको पहले संचय बारंबारता में सेम रखा जाएगा, यानी जो 6 है ये 6 यहाँ पर सेम रखा जाता है। अब इस 6 में अगर x जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 26, अगर 26 में अगर 24 ऐड करेंगे तो 50 मिलेगा, 50 में ये नंबर ऐड होगा तो ये मिलता है, और ये नंबर में अगर ऐड होता तो ये नंबर मिलता है। तो यहीं से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना यहाँ पर सारणी से, ठीक है, सारणी से मतलब टेबल से। आपने क्या देखा कि जो 6 यहाँ रखा होता है वही यहाँ रखते हैं, और इस संख्या में जब ये संख्या जोड़ते हैं तो ये संख्या मिलती है, यानी x में आपको क्या करना है, x में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आपको ये नंबर मिलना चाहिए 26। तो यहाँ से एक समीकरण बन चुकी है, x की वैल्यू निकाल लो 26, सेम ये बाहर जाएगा तो माइनस का 6, और x की वैल्यू कितनी होगी 20। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पर मैं 20 रख लूँ, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 आएगी, अगर यहाँ पर 20 होगा तो 20 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 26 मिलेगा। उसी प्रकार आपको वाई चाहिए, तो वाई आपको कैसे मिलेगा, जब 50 में अगर जोड़ेंगे 28, जब इस संख्या में ये संख्या जोड़ते हैं तो ये संख्या मिलती है। यानी अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, चूँकि जब 50 में ऐड होगा 28 तो क्या मिलता है वाई, 50 + 28 = y। यानी जब इस संख्या में ये जोड़ते तो ये मिल रही है, जब ये संख्या में ये जोड़ेंगे तो ये मिलेगी, तो 50 + 28 = y, ऐड कर लो 8, यानी 78 हो गया ऐड करके। देयर फॉर वाई की वैल्यू कितनी होगी 78, यानी अगर यहाँ पर वाई की वैल्यू 78 रख लूँ और इस संख्या में अगर ये संख्या जोड़ूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ x की वैल्यू 20 होगी और यहाँ पर y की वैल्यू 78, यानी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी 78, 78 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका x और y की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो सिंपल रूल होता है जो संख्या पहली होती है बारंबारता में वही संख्या यहाँ पर रखी जाती है, इस संख्या में ये ऐड करते तो ये मिलता है, इस संख्या में ये ऐड करते तो ये मिलता है, और इस संख्या में ये ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो जब इस संख्या में ये जोड़ेंगे तो हमें y मिल जाएगा, तो वो हमने निकाल दिया, वाई की वैल्यू 78 और x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पर में है चैप्टर 10, जो वृत्त वाला चैप्टर था, सर्कल वाला चैप्टर था, उसकी ये थ्योरम है 10.2 थ्योरम है, ये हर साल पेपर में सिद्ध करने के लिए आती है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रूव डैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे सिद्ध करोगी, देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, मैं यहाँ रफ में बना रहा हूँ, आपको फेयर में सही से बनाना है। एक सर्कल बनाओगे और इस सर्कल के बाहर यानी एक्सटर्नल पॉइंट मानोगे, यहाँ कोई बाह्य बिंदु P मान लिया। अब इस बाह्य बिंदु से इस सर्कल पे दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट, सपोज ये वाली टेंजेंट है इसकी। ठीक है, अब सुनना जरा, ये सर्कल का सेंटर है, ये रेडियस होगी, इनको मिला दो रचना में, ठीक है, ये क्या होगी त्रिज्याएं होगी, और ये भी मिला दो त्रिज्या है, ये भी, इसको भी मिला दिया। ठीक है, इस बिंदु को ए मान लो, इसको ओ मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। अब आपने एक बात पढ़ी है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है आपस में, तो ये एंगल 90 और ये भी रेडियस और ये भी है टेंजेंट, यानी जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये स्पर्श रेखा होगी और ये होगी वृत्त की त्रिज्या, ये आपस में लंबवत होती है, हमेशा परिमेय थी, ये चैप्टर में सिखा रखी मैंने आपको। ठीक है, तो यानी ये एंगल 90 होगा
और ये एंगल 90 हुआ। अब आपको सिद्ध करना है कि अगर बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये आपस में बराबर होती है, यानी पी ए इक्वल होगा पी बी के। आपको आपको सिद्ध करना है पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल लो, ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, दिया है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है एक सर्कल, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एक सर्कल, ठीक है। सर्कल को शॉर्ट में सी लिखते हैं और उसका केंद्र आपने ओ मान लिया, केंद्र आपने ओ मान लिया, ये रेडियस और ये रेडियस है और ये दोनों त्रिज्या है। तो यानी एक सर्कल दिया है जिसका जो केंद्र है वो जीरो है और रेडियस आर है, ये आपने मान लिया है, ठीक है। चलो अब आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से ये पी से जो हमने स्पर्श रेखा खींची है पी ए और पी बी, ये आपस में इक्वल होती है, यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी, ये आपको सिद्ध करना है बराबर, ठीक है। अब यहाँ लिखना है उपपत्ति, प्रूफ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूफ, उपपत्ति प्रूफ, ठीक है। कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, आपको सीधे क्या करना है, स्पर्श रेखाएं, जो ये स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में बराबर होती है बाह्य बिंदु से, ठीक है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, जो दो इसमें ट्रायंगल बने, त्रिभुज बने, उनको लेकर चलेंगे। पहले एक तो ओ पी ई ट्रायंगल है, एक ओ पी बी है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ओ पी ए, ओ पी ए और ट्रायंगल यानी त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी ए ओ पी बी, ओ पी बी में, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से देख लो कि ये राइट एंगल है दोनों का, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ओ ए पी यानी एंगल ए 90 और एंगल बी 90, तो आप लिख सकते एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों ट्राइंगल के एंगल ए और बी 90 है, ईच 90, ईच 90, हिंदी में क्या लिखते हैं, प्रत्येक 90, ठीक है, ठीक है, हिंदी में क्या लिखना है, प्रत्येक 90। अब देखिए ये एंगल 90, ये एंगल 90 हो गया। अब देखिए ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, ट्राइंगल ए पी ओ में भी आ रही है ओ पी साइड और ओ पी बी में भी आ रही है ओ पी साइड, तो जो ये कॉमन साइड होती है इक्वल होगी दोनों ट्राइंगल के लिए, ओ पी इक्वल हो जाएगा ओ पी, और रीजन क्या रहेगा, कॉमन साइड, उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या लिखना है, उभयनिष्ठ यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखिए ये आपने एंगल लिया, ये एंगल लिया, ये साइड लिया आपने, अब ये देखिए रेडियस है ओ ए और ओ बी, रेडियस है एक ही सर्कल की, जो वृत्त, एक ही वृत्त की जो रेडियस होती है, त्रिज्याई होती है, वो आपस में बराबर होती है, एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियाई होती है यानी रेडियस होती है वो समान होती है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, तो ये भी आर है तो ये भी आर ही होगा, जो दूरी ये है वही दूरी ये हो जाएगी। तो यानी आप बोल सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, हिंदी में क्या लिखना है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। अब देखिए ये मैंने क्या लिया, ये मैंने राइट एंगल लिया और ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, ये देखिए राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और ये एक भुजा ली मैंने, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस है, ये साइड है, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस साइड है, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल जो ओ पी ई है, ओ पी ए जो ट्राइंगल है, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी बी के, किस रूल से, वही आपस में सर्वांगसम, यानी ओ पी बी सर्वांगसम है, ओ पी ए सर्वांगसम है ओ पी बी के, बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल। देखिए ये दो समकोण त्रिभुज थे, इन दोनों समकोण त्रिभुज में देखिए, इस समकोण त्रिभुज ओ पी ए का एंगल ए 90 था और इस समकोण त्रिभुज ओ पी बी का एंगल भी 90 था।
अब ये समकोण त्रिभुज है तो ये क्या होगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा ओपी। तो देखिए ओ ए पी के लिए ये कर्ण और ओ बी पी के लिए ये कर्ण हो गया, यानी दोनों इक्वल होगा। ये एक भुजा देखिए, ये तो आपस में रेडियाई ही है, यानी रेडियस ही आपस में बराबर होती, त्रिज्याएं वृत्त की चाहे जितनी भी खींच लो बराबर हो जाएगी। तो ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनस साइड के रूल से आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम सिद्ध हो गया है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांगसम है तो वी कैन सी डेट, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाई सी पी सी टी क्या होगा, जो इनकी संगत भाग होती है आपस में समान हो जाती है। तो हमें क्या यहाँ पर प्रूव करना था, पी ई इज इक्वल टू पी वी। तो देखिए पी ई इज इक्वल टू पी वी, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं वी नो पी ई इज इक्वल टू पी वी बाई सी पी सी टी रूल, बाई सी पी सी टी रूल। तो यहाँ पर यही सिद्ध करना था कि जो इनकी स्पर्श रेखाएं हैं ये आपस में समान होती है, यानी पी ए इक्वल टू पी बी, और वही हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर देखिए पी ए इज इक्वल टू पी बी, हेंस प्रूव्ड, ये हेंस वेरीफाइड, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। 2 नंबर के क्वेश्चन है, आता ही आता है पेपर अब में। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थ्योरम थी ये, एग्जाम में आती ही आती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि दिए गए चित्र में यदि एल एम समांतर है सी बी और एल एन समांतर है सी डी, तो सिद्ध करो इन द फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव डेट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। एक फिगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें जो भुजाएं हैं वो समांतर दे रखी है, आपको सिद्ध करना है कि ए एम के अपॉन में ए बी होगा और ए एन के अपॉन में ए डी होगा, यानी ये रेशियो आपस में इक्वल होगा, ऐसे आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं। डियर स्टूडेंट, फिगर हमने बना दिया है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें जो दिया है पहले आपको उसको लिखना है। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि एल एम पैरेलल है सी बी के, यानी जो एल एम भुजा है ये समांतर है सी बी के, एंड एंड एल एन समांतर है सी डी के, ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध करो, सिद्ध करना, ये आपको दिया हुआ है और आपको सिद्ध क्या करना है वो यहाँ लिख लेते पहले, सिद्ध करना है। तो डियर स्टूडेंट आपको सिद्ध क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये एक फिगर आपको दे रखी है, ये एक फिगर दे रखी है, और इस फिगर में क्या दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो आपको सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम के अपॉन में ए बी होगा और ए एन के अपॉन में ए डी होगा, ये आपको सिद्ध करके देखना है। ठीक है, सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे यहाँ पर उपपत्ति। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सबसे पहले दिया है फिर सिद्ध करना है फिर प्रूफ, उपपत्ति। ठीक है, अब देखिए क्या करोगे, सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, देखिए सबसे पहले ए सी बी त्रिभुज में आपको क्या दिया था, एल एम समांतर है सी बी के, तो आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज ए सी बी, ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए ए सी बी में आपको क्या दिया है, ट्राइंगल ए सी बी में दिया है एल एम समांतर है सी बी के, तो यहाँ लिखेंगे एल एम समांतर है सी बी के, ये आपको दिया है पहले से, ऊपर देखिए दिया है में लिखा है। अगर इस त्रिभुज ए सी बी में ये भुजा और ये भुजा समांतर हो जाती है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी, इसीलिए आपको क्या लिखना है, थेल्स प्रमेय से। ये क्वेश्चन में कई बार रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या होता है, अगर भुजाएं समांतर होती तो रेशियो लेते हम, अनुपात में लेते भुजाओं को, ए एम अपॉन एम बी लेंगे पहले, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन में एल सी। अब क्या करना है,
थेल्स प्रमेय लगाने के बाद यहाँ व्युत्क्रम करना, रेसिप्रोकल करना है, यानी क्या करोगे, जो लंबन नीचे है उसको ऊपर लिखना है और जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है, इधर भी सेम वही करना है, ठीक है। अब क्या करना है, व्युत्क्रम करने के बाद आपको ऐड करना है वन, दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। तो यहाँ क्या लिखना है, ये इसको रूल है सिद्ध करने के लिए, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए इधर भी एक जोड़ना है, लेफ्ट साइड में भी एक जोड़ना है, राइट साइड में भी एक जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए एम बी अपॉन में ए एम, ये थी लेफ्ट साइड, इसमें एक जोड़ लो आप, तो ये एक जोड़ दिया। राइट साइड में यहाँ पर भी एक जोड़ना है, तो एल सी अपॉन ए एल, यहाँ पर भी वन प्लस कर दिया है, यहाँ वन मान लो, यहाँ वन मान लो, इसको सॉल्व करना है। एम बी का वन से मल्टीप्लाई, एम बी वन जे एम बी, इस बिन को सॉल्व कर रही है। ए एम का वन से ए एम वन जे ए एम, और ए एम का वन से ए एम वन जे ए एम, ठीक है। अब एल सी का वन में करो एल सी वन जे एल सी, ए एल का वन में ए एल वन जे ए एल, और ए एल का वन में ए एल वन जे ए एल, ठीक है। अब एम बी में ए एम ऐड करो, देखिए जब एम बी में ऐड करेंगे ए एम, यानी ए एम में ऐड करेंगे एम बी, तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा पूरा। तो ए एम में अगर ऐड करेंगे एम बी, ए एम में अगर एम बी जोड़ेंगे तो ए बी मिलेगा। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में ए एम, सेम सेम यहाँ पर देखिए, जब एल सी में ऐड करेंगे ए एल, जब एल सी में ऐड करेंगे ए एल, तो ये भुजा मिलेगी ए सी पूरी, तो यहाँ ए सी अपॉन में ए एल, ठीक है। अब पुनः व्युत्क्रम करना है, फिर से क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, इस लंबर को ऊपर भेजो और इस लंबर को नीचे भेजो, यानी ए एम अपॉन ए बी, यहाँ पर ए एल अपॉन ए सी। अब ये मान लो समीकरण नंबर एक, जो काम आपने ए सी बी त्रिभुज में किया है वही काम आपको ए डी सी त्रिभुज में करना है, जो काम आपने ए सी बी त्रिभुज में किया है वही काम आपको ए डी सी में करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे, देखिए ध्यान से, इसको समीकरण नंबर एक आपको मान लेनी है। तो अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे समीकरण नंबर एक चाहिए होगी तो मैं इसको हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, अब यहाँ से करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए ए डी सी ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी में ध्यान से देखिए, एल एम और सी बी पहले से समांतर दिया हुआ है, तो आपको लिखना है चूंकि त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी त्रिभुज में क्या दिया है कि एल एन समांतर है सी डी, यानी एल एन पैरेलल है सी डी के, इसीलिए आप क्या बोल सकते हैं, थेल्स परमेय से, इसीलिए थेल्स परमेय से, अगर ये भुजा समांतर है इसके तो थेल्स परमेय क्या कहती है, ए एन अपॉन में एन डी, ए एन अपॉन में एन डी, और ए एल अपॉन में एल सी, कैसे भी ले लो, तो मैं क्या ले रहा हूँ, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी इक्वल टू ए एन अपॉन में एन डी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है, क्या करना है, रेसिप्रोकल, एल सी ऊपर ए एल नीचे, एन डी ऊपर ए एन नीचे। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, जो काम उधर किया था वही काम यहाँ करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, लेफ्ट साइड में भी एक जोड़ लो। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बस समीकरण नंबर एक छोड़ दूंगा, इसको मुझे चाहिए होगी बाद में, ठीक है, ये समीकरण नंबर एक है, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड में एक जोड़ना है, लेफ्ट साइड में एल सी अपॉन में ए एल, यहाँ पर वन प्लस कर दिया, राइट साइड क्या थी, एन डी अपॉन में ए एल, यहाँ पर भी वन ऐड कर लिया, इधर वन मान लो, इधर वन मान लो, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, एल सी का वन में होगा तो एल सी वन जे एल सी, ए एल का वन से मल्टीप्लाई ए एल वन जे ए एल, और ए एल का वन से ए एल वन जे ए एल, ठीक है। एन डी का वन से मल्टीप्लाई एन डी वन जे एन डी, और ए एन का वन से मल्टीप्लाई ए एन वन जे ए एन, और ए एन वन जे ए एन, ठीक है। अब देखिए एल सी में जब ए एल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एल सी में जब ए एल ऐड होगा तो ए सी मिलेगा, यहाँ पर लिख लो ए सी,
इन दो चीज़ को लिख दे, एसी और एएल सेम। ठीक है, अब देखिए एनडी में जब एएन ऐड करेंगे, एनडी में जब एएन ऐड करेंगे तो एडी मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं इसको आप एडी इक्वल टू एएन। पुनः व्युत्क्रम करने पर दोबारा आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो ये काम आपको नीचे करने में वहाँ कर रहा हूँ। देखिए एएल ऊपर एसी नीचे कर लो दोबारा, एएल ऊपर एसी नीचे, और यहाँ पर भी एएन ऊपर और एडी नीचे। ठीक है, और ये मान लो आप समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब देखिए समीकरण एक और दो में ध्यान से देखिए, समीकरण एक ये थी, समीकरण नंबर दो ये थी। अब समीकरण एक और दो में सेम चीज़ क्या है, तुलना करने पर देखिए AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, यानी ये चीज़ से ये चीज़ कट हो जाएगी, इससे ये कट, तो क्या बचेगा, यहाँ ये बचेगा और यहाँ ये बचेगा, वो आपको लिखना है। काट के दिखाना नहीं है, यहाँ पर खाली तुलना हो रही है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ खाली। ठीक है, यानी ये मान लेते हैं कि अगर ये सेम सेम चीज़ है तो ये आपस में कट जाती है। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो इस चीज़ से ये चीज़ आपस में कट, तो यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, वही आपको लिखना है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए इसके बाद आपको लास्ट में लिखना है, इतना करने के बाद आपको लिखना है समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। देखिए ध्यान से, समीकरण एक में ए एल अपॉन ए सी है और समीकरण दो में भी ए एल अपॉन ए सी है, इससे ये कट हो जाएगा, यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, तो हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन में जो ए बी है ये बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, एक मिनट, ए एन अपॉन ए डी है, ये क्या है, ए डी है, तो यहाँ ए डी लिखना है, और यही सिद्ध करना था। देखिए क्या किया, समीकरण एक और दो से ये चीज़ सेम आ गई थी, इससे ये कट हो गया, यहाँ ये बचेगा, यहाँ ये बचेगा, इन दो चीज़ को इक्वल में लिख देंगे। ठीक है, और हेंस प्रूव फिर लिख देंगे नीचे, इति सिद्धम, हेंस प्रूव। ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था, ए एम अपॉन ए बी होना चाहिए था, इक्वल में ए एन अपॉन ए डी होना चाहिए था, वही आप ले आए, तो यही आपको सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको सही से नोट कर ले पहले।